हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक विद्यार्थी। नाउ लास्ट वीडियो हमने देखा था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज रिटन बाय फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट दैट इज हेनरी फ्योल। ठीक है, नाउ आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमें दिए फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। ठीक है, तो देखते हैं कि वो प्रिंसिपल्स क्या क्या है। ठीक है, एंड किसी भी कंपनी के अंदर वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पर आपको स्क्रीन में लेफ्ट हैंड साइड पे पर्सन दिख रहा है। ठीक है, नाउ तो ये हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी है। नाउ देखते हैं इनका नाम क्या है। यस, इनका नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, देन इनका जो बर्थ हुआ था दैट इज इन द ईयर 1856 एंड इनकी डेथ हुई थी 1915 में। ठीक है, नाउ यहाँ पर एफ डब्ल्यू टेलर जी ने यहाँ पर अपने करियर की स्टार्टिंग की थी एज अ मैकेनिस्ट इन अ मेडवियल स्टील वर्क्स। ठीक है, जो फिलाडेल्फिया में, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है, नाउ देन वहां पर कंटिन्यूसली हार्डवर्क के बाद एंड कंटिन्यूसली अपने टैलेंट और अपना स्किल दिखाने के बाद इनको उनकी ही कंपनी में एज अ चीफ इंजीनियर अपॉइंट किया गया। ठीक है, कंपनी को हैंडल करने के लिए। ठीक है, फिर कंटिन्यूसली इन्होंने क्या किया कि अपने मैनेजमेंट स्किल के ऊपर वर्क किया, देन बहुत सारे एनालाइज किए। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिकल किए। ठीक है, एंड आफ्टर ऑल दिस उन्होंने बहुत कुछ ऐसे सारे प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश किए जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कंपनी को एक टॉप पोजीशन पे लेके गए। ठीक है ना, साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद इन्होंने जो प्रिंसिपल्स अपॉइंट किए हैं, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स इन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है, ये रीजन से हम इनको एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, लास्ट वीडियो में हमने देखा था हेनरी फ्योल्स के बारे में, वो थे फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट के ऊपर वर्क किया था। नाउ यहाँ पर एफ डब्ल्यू टेलर ने यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर वर्क किया है, उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप किया है, इसलिए यहाँ पर हम एफ डब्ल्यू टेलर को एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। नाउ तो देखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, उनसे प्रिंसिपल क्या है। नाउ तो स्टार्टिंग में तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है ना, एज पर द एफ डब्ल्यू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग वॉट यू वॉन्ट मैन टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर। ठीक है ना, अगर इसका मैं आपको मीनिंग आपको बताऊं तो यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपका वॉन्ट्स क्या है, आपकी डिजायर क्या है। ठीक है ना, बट ऑब्वियसली आप जब कभी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो ना स्टार्ट करने से पहले आपका कुछ डिजायर होता है, आपको कुछ गोल होता है। ठीक है ना, तो जब आप वो गोल सेट करते हो, आप वो डिजायर सेट करते हो, ठीक है, आप वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, तो आपका एक्सपेक्टेशन यही होगा कि आप जो एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर रहे हो वो एम्प्लॉयज एग्जैक्टली वो गोल के अकॉर्डिंगली एंड वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली काम करें। ठीक है, देन उसके बाद जब आप उनको वो वर्क देते हैं, ठीक है, तो आपका दूसरा काम ये होगा कि आप ये बात पे ध्यान दे ज्यादा करके कि जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वो ज्यादा एफिशिएंट मैनर में हो एंड दूसरा वो चीपेस्ट मैनर में हो। अभी चीपेस्ट मैनर का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हम लोग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, नहीं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको यहाँ पर, हमें यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, मतलब ना ज्यादा ना कम। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो दैट इज कॉल्ड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, एंड अगर हम लोग कम करेंगे यूज रिसोर्सेज का तो वहां पर कहीं ना कहीं क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग को क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एज वेल एज यहाँ पर हम लोग को वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, अप टू द बेस्ट हम लोग को यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ देखते हैं कि उसके प्रिंसिपल्स क्या है। नाउ तो यहाँ पर आपको जो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। ठीक है, नाउ देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूट विद द मेथड डेवलप थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। टेलर इंसिस्ट अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। दिस प्रिंसिपल कंसर्न विद द सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ अ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द जॉब एंड नो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है ना, यहाँ पर जो एफ डब्ल्यू टेलर वो यहाँ पर इंसिस्ट कर रहे हैं मैनेजर को कि आप जो डिसीजन ले रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, वो आप ऑन द बेसिस ऑफ साइंस लीजिए, नॉट के वो रूल ऑफ थम हो। अभी रूल ऑफ थम का मतलब यहाँ पर कि हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम पहले मतलब कुछ एज अ ट्रायल डिसीजन लेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, देन हम लोग वेट करेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आता है। हमको ऐसा यहाँ पर नहीं करना है, हम यहाँ पर जो भी डिसीजन ले रहे उसके पहले हम लोग उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा।
ठीक है, देन उसके बाद साइंटिफिक एनालिसिस के बाद यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं हमें FW टेलर, जहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसके वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़े, या फिर यू कैन से कि एक तरीके से मतलब गलत फेज से उनको गुजरना पड़े, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रूल ऑफ सम मेथड यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है हमको साइंटिफिक एनालिसिस के साथ, ठीक है। एंड सेकंड थिंग जो यहाँ पर टेलर बोल रहे हैं कि अब कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, चाहे वो एक्टिविटी बड़ी हो या फिर चाहे वो एक्टिविटी छोटी हो, सब जगह पर साइंटिफिक मेथड ही यूज होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड यहाँ पर मतलब कि बेस्ट वे टू परफॉर्म दैट जॉब, ठीक है, चाहे वो काम छोटा हो या फिर चाहे वो काम बड़ा हो, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, कि यहाँ पर आपको साइंटिफिक एनालिसिस करना है, ना कि ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है ना। यहाँ पर जो सेकंड प्रिंसिपल इज योर हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है ना। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट, दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी वर्क एनवायरमेंट फॉर अचीविंग एंड डिजायर गोल दैट इज योर सक्सेस, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉइज है, ठीक है, या फिर जितने भी मैनेजर्स है, उन सबके बीच में हार्मोनी होना बहुत जरूरी है। अभी हार्मोनी मतलब प्रॉपर ट्यूनिंग, ठीक है, इसका मतलब कि मैनेजर जो मैनेजमेंट टीम है उनका डिजायर क्या है, उनका मतलब उनका माइंडसेट क्या है, एंड एम्प्लॉय को उनके अकॉर्डिंगली काम करना है, ये प्रॉपर ट्यूनिंग होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है। क्योंकि अगर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को बता ही नहीं पाएगा कि उसके बॉन्ड्स क्या है, उसके डिजायर क्या है, तो तब तक एम्प्लॉयज कभी भी उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पाएंगे, एंड हो सकता है कि वहां पर उनके बीच में झगड़ा हो जाए एंड उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, एंड यहाँ पर कंफ्यूजन होने के चांस भी पूरा है, ठीक है। तो ऐसा ना करके, ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड प्रॉपर ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमने जो टारगेट सेट किया है, जो हमने गोल सेट किया है, वो हम लोग प्रॉपरली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रॉपर हार्मोनी एंड प्रॉपर ट्यूनिंग की वजह से यहाँ पर मैनेजमेंट एज वेल एज एम्प्लॉय का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, दोनों को पता चलेगा कि दोनों की वॉन्ट्स क्या है, ठीक है। देन नाउ मेंटल रिवॉल्यूशन, नाउ टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड गिव ऑल अ कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। नाउ मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर जितने भी लोग काम करें, यहाँ पर चाहे वो मैनेजर हो या फिर चाहे वो एम्प्लॉय हो, ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दोनों की मेंटेलिटी जो है वो सेम हो, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर मैनेजमेंट की थिंकिंग कैपेसिटी कुछ और हो एंड अपने एम्प्लॉयज की थिंकिंग कैपेसिटी कुछ अलग हो, ठीक है। बट यहाँ पर दोनों को एक दूसरे को समझ के लेना चाहिए, इन द सेंस कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है ना। बहुत बार कंपनी में ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉय होता है जो काम करने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा लाइक सेंसिटिव नेचर वाला हो, ठीक है ना। तो सेंसिटिव नेचर वाले को अगर जब हम लोग कुछ ज्यादा बोल देते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली उनको थोड़ा कुछ बुरा लग जाता है, वो हो सकता है कि कंपनी को भी मतलब छोड़ दे, रेजिग्नेशन दे दे अपना, ठीक है। तो ऐसा ना करके हमें जितने भी एम्प्लॉयज है उन सबको समझना पड़ेगा कि सबका मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है, सबके मेंटेलिटी क्या है, ठीक है। तो हमको उसके साथ उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को ऐसा नहीं कि खाली मैनेजर को एम्प्लॉय को समझना है या फिर एम्प्लॉय मतलब कुछ भी करेगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैनेजर को भी एम्प्लॉय को समझना है एज वेल एज एम्प्लॉय को मैनेजर को समझना है, दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना है एंड कोऑर्डिनेशन करना है, तभी जाके ओवरऑल कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा एज वेल एज कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो यहाँ पर डायरेक्टली मैनेजर को एज वेल एज एम्प्लॉय को दोनों को ही बेनिफिट है, ठीक है। देन ना योर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज योर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है ना। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन अ म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स दैट इज एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट, ड्यू टू कॉपरेशन ट्रस्ट टीम स्पिरिट एक्सेट्रा इंटरनल कॉम्पिटिशन विल टर्न इंटू हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट, मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर सजेशन गिवन बाय द एम्प्लॉइज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ना यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि कंपनी जो है वो किसी एक सिंगल पर्सन की वजह से नहीं चलता, वहां पर जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉय थे या चाहे फिर वो मैनेजर हो, सबके टीम वर्क से सबके यूनिटी से वो पर्टिकुलर कंपनी चलता है। तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे,
हमारे कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर कॉपरेशन, ट्रस्ट एंड टीम स्पिरिट होना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग को इंडिविजुअलिज्म पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जब टीम वर्क होगा तभी जाके वो पर्टिकुलर कंपनी एक तरीके से यू कैन से सक्सेस अचीव कर सकेगी, ठीक है। देन सेकेंड थिंग, यहाँ पर जब कभी भी मैनेजमेंट कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है अबाउट द बिजनेस, ठीक है, तो वहां पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि हो सकता है कि जब कभी भी इतने एम्प्लॉयज मिलकर साथ में काम करेंगे, सबके आइडियाज आएंगे, तब जाके हमारे पास मैक्सिमम आइडियाज होंगे एंड तब जाके हम लोग उसमें से द बेस्ट आइडिया हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल एक तरीके से प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को उसको लाइक यू कहते हैं एलिमिनेट नहीं करना है कि नहीं कि ये एम्प्लॉयज है या फिर ये हमारी कंपनी के लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकता है, इसका काम खाली ऑर्डर फॉलो करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनकी भी आइडियाज लेनी चाहिए, बिकॉज कि जब हमको उनको ये अथॉरिटी देंगे कि आपको भी मतलब कुछ आइडियाज देना है, तब जाके वो कंपनी को अपना कंपनी अपना मतलब अपने कंपनी मान के काम करेंगे एंड वो कंपनी के बारे में अपना 100% एफर्ट्स दे सकेंगे, ठीक है। इसलिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज भी बहुत जरूरी है। देन डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी अकम्पेन्ड विद द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉयज। मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज वेयर एज द एम्प्लॉय आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एग्जीक्यूशन। द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय देयर सुपीरियर, ठीक है ना। यहाँ पर जब कभी भी हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज के अमाउंट वर्क को हम लोग जब डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो जब हम लोग ने यहाँ पर उनको वर्क दिया तो इसके साथ साथ हम लोग ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि आपको वो वर्क कैसे करना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो डिसीजन आपका है, ठीक है। यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट का एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा सिर्फ वो टारगेट के ऊपर, ठीक है। बाकी वो टारगेट कैसे अचीव होता है वो टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहाँ के एम्प्लॉयज की एंड वहाँ के वर्कर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर टोटली प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। देन यहाँ पर जो वर्कर्स होंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे, यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने जो टारगेट सेट किया है, जो उनको वर्क दिया है, वो प्रॉपरली उनसे हो जाए, ठीक है, वो प्रॉपरली उसके ऊपर एग्जीक्यूट करे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पर वर्कर की, ठीक है। एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना एंड टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना भी काम होता है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ की वर्कर्स की एंड एम्प्लॉयज की, क्योंकि अगर कुछ उनको प्रॉब्लम्स कुछ आती है या फिर कुछ उनको डिफिकल्टीज आती है तो लोग इजीली टॉप लेवल की एंड मिडिल लेवल की वहाँ पर हेल्प ले सके, उनकी गाइडलाइन ले सके एंड अपना काम प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सके। इसलिए यहाँ पर प्रॉपरली डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ये जरूरी है, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर अ ग्रेट एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू ग्रेट एक्सटेंट, थस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू द एम्प्लॉयज व्हेनेवर रिक्वायर्ड इज वेरी एसेंशियल, इट इज अल्टीमेटली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पर कंपनी, अभी जैसे मैंने आपको बोला था पहले कि रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है, हम लोग को पता है सबको कि उनके जो ओनर है मुकेश अंबानी, ठीक है ना। वहां पर हम लोग जब कभी भी कंपनी एक तरीके से यू कैन से ग्रोथ अचीव करती है तो हमारे माइंड में आता है कि नहीं क्या, हाँ इनका मैनेजमेंट अच्छा है, दैट इज मुकेश अंबानी का, ठीक है, कि उन्होंने अपने कंपनी को अच्छे से हैंडल करके रखा है, इसलिए उनकी जो कंपनी है वो टॉप पोजिशन में ऑलवेज आती है, ठीक है ना। नो डाउट कि वो थॉट जो है वो सही है, ठीक है, बट वहां पर जितना इम्पोर्टेंस मुकेश अंबानी का है उतना ही इम्पोर्टेंस या फिर यू कैन से उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ के उनके एम्प्लॉयज का भी है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन का काम उनका है, ठीक है। इसलिए वहां पर जो रोल होता है एम्प्लॉयज का वो वहां पर ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। देन सेकेंड थिंग, यहाँ पर कि जो भी आपके एम्प्लॉयज यहाँ पर काम करें, जो भी आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, उनके स्किल को डेवलप करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी के अंदर ऑलवेज कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है, कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, ठीक है, तो वही अपडेट से अवेयर करना उनके एम्प्लॉयज को वो बहुत जरूरी होता है। इसलिए टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट करना उनका, ठीक है, कुछ अदर एक्टिविटीज परफॉर्म करना एम्प्लॉयज के लिए ये बहुत जरूरी होता है, तभी जाके उनकी जो स्किल जो टैलेंट है वो कंटिन्यूसली पॉलिश होते रहेंगे एंड वो आगे जाके और भी अच्छे से वर्क कर सकते हैं एंड उनकी एफिशिएंसी हम इंक्रीज कर सकते हैं।
तो ये बाद में अल्टीमेटली उसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर ही पड़ने वाला है, एंड वो इफेक्ट कुछ इस तरीके से होगा कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली जो कंपनी है वो एक तरीके से यू कैन से टॉप पोजिशन पे आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर है उतना ही इंपॉर्टेंट, या फिर यू कैन से उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ के एम्प्लॉयज भी है, ठीक है। हाँ, तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में ऐसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अगर एप्लीकेबल करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेस अचीव करना एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना इट कैन बी इजी, ठीक है ना। ये वीडियो में इतना ही, आगे के जो सम टेक्निक्स से अबाउट दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।